और चले कुछ और खबरों पर नजर डालते हैं। भाजपा की जन विश्वास यात्रा का आज छठा दिन है और आज भाजपा संगठन के 6 क्षेत्रों की यात्राएं अपने अलग अलग पड़ाव पर पहुंचेंगी, जिसमें से गोंडा की जन विश्वास यात्रा आज बहराइच पहुंचेगी, जिसमें खुद सीएम योगी शामिल होंगे और महसी विधानसभा में जनसभा को भी वो संबोधित करेंगे। पिछले 5 सालों में सीएम योगी महसी विधानसभा का 5वीं बार दौरा करेंगे। तो वहीं देवरिया की जन विश्वास यात्रा का नेतृत्व डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य करेंगे, जबकि फतेहपुर में जन विश्वास यात्रा में डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा शामिल होंगे। प्रयागराज की जन विश्वास यात्रा का आज दूसरे दिन भी शहर में ही ये यात्रा रहने वाली है, जिसका नेतृत्व केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे, तो वहीं मेरठ में जन विश्वास यात्रा में केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान शामिल होंगे और मैनपुरी में जो जन विश्वास यात्रा होगी इसकी कमान भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष गीता शाक्य संभालेंगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नीतीश पांडे इस वक्त मौजूद हैं। नीतीश, क्योंकि लगातार जन विश्वास यात्रा आगे की तरफ बढ़ती जा रही है, आज छठा दिन है, क्या पूरा कार्यक्रम रहेगा, कौन कौन से बड़े नेता इस यात्रा में शामिल होने वाले हैं? आपने सारी चीजें तो बता ही दी है, लेकिन जो जन विश्वास यात्रा निकल रही है वो लगातार जनता का विश्वास किस तरह से हासिल कर रही है ये तो देखना हो रहा है। लेकिन आने वाले दिनों में जनता का विश्वास हासिल कर कर किस तरह से वोट पाए जाएंगे ये भी देखने वाली बात होगी। मैं जिक्र करना चाहूँगा बहराइच की यात्रा का, तो जन विश्वास यात्रा में सीएम योगी शामिल होंगे और सीएम योगी शामिल होने के साथ 98 परियोजनाओं की सौगात देंगे और इसके साथ 18 किसानों को ट्रैक्टर देंगे। आपकी बात, जिस तरह से बहराइच में कहा जाता है कि महसी विधानसभा, तो ये ब्राह्मण बाहुल्य इलाका है। आपको बताऊं कि पिछले दिनों जिस तरह से ब्राह्मण वोटों को लेकर एक बड़ी कश्मकश थी, स्थिति दिखाई दी, हर पार्टी ब्राह्मण वोटों को साधने में लग गई और स्वयं सीएम योगी 5 सालों में 5 बार आ चुके हैं यहाँ पर, तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं जो नज़र है वो ब्राह्मण वोटों पर रहेगी। क्योंकि पिछले इतिहास की बात कर ले तो पिछले इतिहास में समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बसपा, इन जो प्रत्याशी हैं इन पार्टियों के, इनका इस सीटों पर काफ़ी कब्जा सा रहा है और इस बार उस कब्जे को तोड़ने का पूरा प्रयास है। तो सीएम योगी आज बहराइच में होंगे और बहराइच में होने के साथ ही मुख्यमंत्री इस पूरी यात्रा में शामिल होकर आने वाले दिनों में चुनाव में ब्राह्मण वोटों को किस तरह से साधा जाए, इसके साथ ही किसानों को जिस तरह से ट्रैक्टर देंगे तो किसानों को भी किस तरह से लाभ पहुंचाया जाए और बहराइच की जनता को 98 परियोजनाओं का लाभ किस तरह से दिया जाए, इन सारी बातों को आज बहराइच में जनता को बताएंगे, उनका विश्वास हासिल करेंगे। इसके अलावा अगर प्रयागराज की बात करें तो संगम तट के किनारे पर जो यात्रा घूमेगी आज, तो महेंद्र नाथ पांडे वहाँ पर मौजूद रहेंगे। संगम चूंकि प्रयागराज है, प्रयागराज धार्मिक नगरी है और यहाँ पर भी जिस तरह से जन विश्वास यात्रा आगे बढ़ रही है उस तरह से कहीं न कहीं आने वाले चुनाव में बड़े जनसमर्थन यही देखना होगा। नीतीश, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। और चलिए अनु, अब मैं ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाती हूँ कि आज क्या क्या बड़ी खबरें रहने वाली है।